डीएलएड प्रथम वर्ष यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशिएंसी एंड पेडागोगी यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के यूनिट फर्स्ट के नोट्स के बाद इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके पार्ट अंग्रेजी में आपके पार्ट दो है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 4 यूनिट है और पार्ट बी में आपके 5 यूनिट है, टोटल जो है 9 यूनिट है आपके। फर्स्ट यूनिट की हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में, यानी उसके नोट्स की बात करेंगे, जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं खुद बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ, 26 तारीख को मैंने नोट्स बनाए थे और आपको बता दें कि यूनिट बहुत बड़ी है, तो मैंने खास खास जो पॉइंट्स होते हैं उनको निकाल के आपके सामने लाया हूँ मैं खास खास करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है आपकी यूनिट का नाम है। सबसे पहले थे लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है। तो देखिए शॉर्ट्स में लाया हूँ मैं, नोट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है खास खास ऊपर ऊपर से, है ना। तो देखिए इन द ट्रेडिशनल अप्रोच लर्निंग अ लैंग्वेज जनरली बिगिंस विद रीडिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, हाउएवर इन द केस ऑफ द मदर टंग वी फर्स्ट लिसन टू द टंग लैंग्वेज एंड देन लर्न टू स्पीक। यानी हम लैंग्वेज जो है सबसे पहले उसे जो है सीखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, जो लैंग्वेज है उसे सबसे पहले हम सीखते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं। मैं क्या आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, वीडियो छोटा सा ही, इस नोट्स का मतलब है जैसे नोट्स वैसे वीडियो, छोटा ही वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका पहले का जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिसनिंग, अर्थात लिसनिंग क्या है उसको हम देखेंगे। वी टेंड टू अस, जैसे कि हम जानते हैं लिसनिंग एंड हियरिंग as synonyms, however we hear various kinds of sound but we do not always listen to all of them carefully. Listen is a skill that requires active involvement of the sense organs and leads of decoding the message for proper understanding, ठीक है ना। तो ये थी लिसनिंग की, जल्दी जल्दी मतलब पढ़ेंगे कि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, हम समझ लेंगे, ताकि आप उसे पॉज करके फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपके हिसाब से कुछ भी कर लो, है ना। व्हाट इज स्पीकिंग, अब स्पीकिंग क्या है अब ये देखते हैं यूनिट फर्स्ट में, है ना। स्पीकिंग डज नॉट मीन्स मेरली प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउंसिंग साउंड्स वर्ड और सेंटेंस। इट इज इंडीड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग थॉट एंड प्लानिंग हाउ बेस्ट टू पुट दिस थॉट्स इनटू स्पीच। स्पीकिंग इन्वॉल्व्स मेनली थ्री एरियाज ऑफ नॉलेज, कौन कौन सा, मैकेनिक्स, फंक्शंस एंड सोशल एंड कल्चरल रूल्स एंड नॉर्म्स, ठीक है ना। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना, ये तो दो हो गए, पहले में तो दो पॉइंट हो गए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों की परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन देख ली। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज इन द सेक्शन, वी गो थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन पार्ट बी, यानी इसको जो हम उसमें देखेंगे पार्ट यूनिट थ्री में, है ना, पार्ट बी की यूनिट थ्री में। वी विल डिस्कस हाउ टू ऑर्गेनाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है ना। अब देख लेट्स सम अप, अगर इसका देखें तो यानी इस पर भी चर्चा करने योग्य है। तो क्या यह है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल दैट डेवलप ऑन वंस इमीडिएट एनवायरनमेंट, दिस टू स्किल्स को टुगेदर, है ना। लिसनिंग रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट इन्वॉल्व्स डिकोडिंग द मैसेज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देख लेते हैं इसका ग्लोसरी, है ना, शब्दावली जो है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओवर आइडियाज बाय स्पीकिंग देम आउट अलाउड, ठीक है ना। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब बताया, चेंज और वेरिएशन इन द पिच इंटेंसिटी और टोन ऑफ वंस वॉइस। रैम्स का मतलब होता है द सेंस ऑफ मोमेंट एंड स्पीच मार्केटेड बाय द स्टेज टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ सिलेबस। सिनोनिम्स का मतलब होता है ए वर्ड्स और फ्रेज दैट मीन्स एक्जैक्टली और नियर द सम एज अनदर वर्ड और फ्रेजेज, ठीक है ना। तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया भी नहीं, अर्थ भी नहीं बताया, सीधा पढ़ के मतलब रट के ही बताया, क्योंकि ये नोट्स थे, इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मेरा ये टारगेट था। अगर आपको अच्छी तरह से लग रहे हैं ये नोट्स, तो और मैं यूनिट दो के यूनिट तीन के अच्छी तरह से प्रोवाइड कराऊँ और आपको समझाता था, इसीलिए पहला वीडियो था, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। आपकी क्या राय इसके बारे में आप जरूर लिखिए, ठीक है ना। थैंक यू साथियों।